स्किन डिसऑर्डर या चर्म रोग की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे वात और त्वचा रोग के बारे में, अर्थात वात वाले आप में से जो भी लोग हैं उनकी त्वचा कैसी होगी या वायु के विकृति होने के कारण, वात के बिगड़ने के कारण कौन कौन से स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसमें किस तरह की औषधियां या किस तरह का खान पान का पालन करना चाहिए, साथ ही साथ किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में। पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने बताया है कि पूरा जो संसार है वो पांच चीज़ों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। इनमें से ये जो पांच महाभूत है, हर महाभूत का एक अलग अलग गुण है। जैसे कि जो शब्द है, साउंड है, वो आकाश महाभूत का एक विशेष कैरेक्टर है, गुण है। वैसे ही स्पर्श जो है, टच का जो सेंसेशन है, वो वायु महाभूत का विशेष गुण है। जी हाँ, वायु महाभूत का स्पर्श जो है वो विशेष गुण है। हमारी जो त्वचा है उसको स्पर्श इंद्रिय कहते हैं, अर्थात जो स्किन है उस पर वायु का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपकी त्वचा कैसी होगी या आपकी स्किन वात डोमिनेंट है कि नहीं वो जानते हैं। नॉर्मली चार तरह की त्वचा हमें देखने मिलती है, एक ड्राई स्किन, एक ऑयली स्किन, एक मिक्स टाइप की स्किन और एक नॉर्मल टाइप की जो स्किन है, ऐसे चार तरह की स्किन देखने मिलती है। तो उसमें से जो ड्राई स्किन होती है वो वात वालों की स्किन होती है, या आपकी बॉडी में जब भी वात डोमिनेंट होगा तो आपकी स्किन जो है वो वात टाइप की होगी, या आपकी जो त्वचा है वो वात वाली त्वचा मानी जाएगी। अर्थात आप में से ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, त्वचा बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा सूखा हुआ दिखता है, बहुत जल्दी जिन्हें कट्स पड़ जाते हैं, उसको ड्राई स्किन कहेंगे। वात वाली स्किन अगर आपकी है तो आपकी जो त्वचा है वो बहुत पतली सी होगी, आपको ठंडी बहुत लगेगी या ठंडी की चीज़ें जो भी है वो आपको स्किन की बीमारियाँ ज़्यादा जल्दी करेंगी। एक विशेष कैरेक्टर आपको ये देखने मिलेगा कि आपको जो भी चर्म रोग होंगे, अगर आपकी वात वाली त्वचा है या वात डोमिनेंट आपकी बॉडी है, तो आपके शरीर में काले धब्बे पड़ने वाले जो रोग हैं वो ज़्यादा जल्दी होंगे। जी हाँ, काला जो रंग है वो वात को रिप्रेजेंट करता है। तो समझिए कि आपका स्किन नॉर्मल थी पर वहाँ पे काले कलर के दाग पड़ने चालू हो गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में वायु बढ़ने लग गई है। वात वालों की त्वचा रूखी होने का ये कारण है कि मॉडर्न की अगर बात करें तो जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो सीबम का सिक्रिएशन करते हैं, वो वात वालों में कम होता है। अब सीबम या फिर जो तेल होता है जो कि आपकी स्किन को चिकना बनाकर रखता है, उसका सिक्रिएशन कम होने के कारण क्या होता है कि जो भी मॉइस्चर होता है वो स्किन पर टिकता नहीं, इसलिए आपकी त्वचा ड्राई होती है। और अगर आप इसका ध्यान न रखें तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ते बढ़ते ड्राई, वेरी ड्राई, एक्सेसिव ड्राई, इस तरह का होते जाता है, जिसे हम रूखापन कहते हैं, खुरदुरापन जिसे कहते हैं, वो उस तरह की आपकी त्वचा होने लगती है। रफ स्किन जिसको बोलते हैं ना, ड्राई से आगे बढ़ने के बाद वो आपकी त्वचा रफ स्किन होने लग जाती है। तो क्या होगा जब भी आपके शरीर में वात बढ़ जाएगा या वात के कारण आपको त्वचा के रोग होंगे या वात डोमिनेंट आपकी स्किन है, तो आपके शरीर में सबसे पहले तो काले धब्बे पड़ने चालू होंगे, दूसरा जो खुरदुरापन है या फिर ड्राइनेस है वो बहुत बढ़ने लग जाएगी, तीसरा सुई चुभने जैसा जो है ना वो पेन होने लग जाएगा त्वचा में कहीं पर भी, वो चाहे हाथ पैर में हो या कहीं पे भी हो, या फिर ये जो फटने की बीमारी है, हाथ पैर फटना, होंठ फटने लग जाना, तो गालों के आसपास कट्स पड़ने लग जाना, इस तरह के ये जो कट जो पड़ने लग जाएंगे वो भी वात के कारण होते हैं। और कुछ चीज़ें देखने मिल सकती हैं जैसे कि सिकुड़ जाना, ये एक तरह की चीज़ें देखने मिलेगी, उम्र के पहले ही बुढ़ापा देखने लग जाना, झुर्रियाँ पड़ने लग जाना, इस तरह की चीज़ें, या त्वचा एकदम हार्ड होने लग जाना सूखने के कारण, एक पतली सी पपड़ी जो होती है वो पपड़ी पड़ने लग जाना त्वचा पे, या बहुत सारी महिलाओं को मेलिज्मा जैसी जो बीमारी होती है, यहाँ पे आसपास में एकदम कालापन आने लग जाता है, ये सारी की सारी जो बीमारियाँ हैं वो वात वृद्धि होने के कारण हमारे स्किन में देखने मिलती है। काला कलर या ग्रे कलर या फिर स्किन डेड स्किन होना, ये सारी की सारी बीमारियाँ वात के कारण है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पिंपल्स होता है, पिंपल्स होने के बाद वो निकल जाता है और वहाँ पे काले कलर का एक दाग पड़ा रह जाता है, या जिसको डेड स्किन बोलते हैं, ये सारे के सारे रोग जो हैं वो वायु के कारण होते हैं। तो चाहे आपकी वाट डोमिनेंट स्किन हो या वायु बढ़ने के कारण आपको कोई भी तरह का त्वचा रोग हो रहा हो, चाहे वो सूखापन हो रहा हो, खुरदुरापन आ रहा हो, ड्राई एक्जिमा जैसी बीमारियां आ रही हो, ऐसी कोई भी बीमारी हो रही हो, तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए वो जान सकते हैं। वायु का नेचर क्या है रूखापन, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, तेल वाली चीज़ें। जी हाँ, इसमें तेल वाली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी अगर आपको वात
आपके शरीर में बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सीबेशियस ग्लैंड है वो सीबम का प्रोडक्शन कम करते हैं। तो ऐसी चीजें जो कि नेचर में गर्म हो और तेल वाली हो वो आपके त्वचा के लिए बहुत अच्छी होगी। जैसे कि तिल का तेल, जी हाँ तिल का तेल, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाले हैं। इस तिल के तेल का क्या करना, अभ्यंग करना, मसाज करना। स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर में, सबसे ज़्यादा फैला हुआ ये है, और इसको नरिशमेंट देने के लिए अभ्यंग से बढ़ के दुनिया में कोई दवा नहीं है। अभ्यंग क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके लिए भी हमने वीडियो डाल के रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। अभ्यंग में हम क्या करते हैं, तेल को लेते हैं, हल्के गुनगुने तेल को लेना है और उस तेल से रोज़ अपने स्किन पर मालिश करना है, खास करके तिल का तेल। तो वाट डोमिनेंट जो बीमारियां हैं उसमें तिल का तेल बहुत अच्छा होगा। अगर आपके फेस के आसपास आपको काले दाग पड़ रहे हैं, डेड स्किन की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो ऐसे में बादाम का जो तेल है वो बहुत अच्छा होगा। बादाम का भी जो नेचर है वो भारी है और गर्म है, तो इसके लिए चिकनापन, गुरु, भारी होने के कारण वात से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो फेस पे आप इसे ले सकते हैं, नाक में दो दो ड्रॉप इसी बादाम के तेल का भी आप डालने में यूज़ कर सकते हैं। बादाम रोगन नाम का जो तेल आता है उसे खाना खाते समय बीच में 8 से 10 ड्रॉप अगर पियेंगे तो भी वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो शुरू में 2-3 ड्रॉप से शुरू कीजिए, बाद में आगे बढ़ाते बढ़ाते 8-10 ड्रॉप तक जा सकते हैं। तो खाना खाते समय बीच में सुबह शाम बादाम रोगन का तेल लेना ये ज़्यादा फायदेमंद है। एक और चीज़ आपको अगर वात से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है तो आप कर सकते हैं, वो है स्टीम लेना या फिर गर्म पानी की भाप लेना या गर्म पानी से स्नान करना। वायु का नेचर जैसे कि हम सभी जानते हैं क्या है, तत्र रूक्ष लघु, शीत, शीत अर्थात ठंडा है, तो उसके लिए सभी गर्म चीज़ें काम करेगी। तो भाप लेना या गर्म पानी से मुँह धोना ये एक बहुत अच्छा तरीका है। फेस के आसपास अगर आपको तकलीफ होती है तो हर 2 से 3 घंटे में हल्के गुनगुने पानी से फेस को धोना ये एक बहुत अच्छा तरीका है, या आपके शरीर को भाप देना, गर्म कपड़े पहन के रखना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी है त्वचा रोग की बात के कारण, तो उसमें आपको कड़वी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। पर एक डाउट उठता है, सभी कड़वी चीज़ें तो वात को बढ़ाती है ना? हाँ, सभी कड़वी चीज़ें वात को बढ़ाती है, पर आप चर्म रोग का अगर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, खास करके जो पुरानी बीमारी है, पुराना फंगस इन्फेक्शन है, ड्राई एक्जिमा है, या फिर पुराना कोई ना कोई सोराइसिस हुआ है, पुराना कोई ना कोई डैंड्रफ जैसी बीमारी है, उसमें कड़वा रस ही खाना चाहिए। क्योंकि सभी तरह का जो चर्म रोग है उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो बीटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट है, पर कड़वा खाने से वात प्रकोप होता है। तो क्या करना है, तो इसका जो सेफ ऑप्शन आयुर्वेद के ऋषियों ने दिया है वो बोलते हैं घी के साथ यूज़ करना। जी हाँ, घी क्या है, चिकना है, तो कड़वे रस के कारण अगर शरीर में जो रूखापन आएगा या जो वात बढ़ेगा, घी उसको कंट्रोल कर देगा। इसलिए जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं उनको घी के साथ लेना, जैसे कि नीम का पाउडर घी के साथ लेना, हल्दी जो है वो 1/4 चम्मच हल्दी को घी में मिलाकर खाना, या खाना घी में बनाना और उसमें हल्दी जैसे जो गर्म मसाले हैं उनका प्रयोग ज़्यादा करना। क्यों? हल्दी का जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट है, वो आपकी त्वचा को भी अच्छा करेगा। हल्दी का नेचर गर्म है, वात को कंट्रोल करेगा, स्किन पे ग्लो लाएगा, घी होने के कारण जो कड़वेपन के साइड इफेक्ट है उससे भी बचाने का काम करेगा। तो ये 4-6 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। औषधि के रूप में आपके लिए हल्दी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर सारीवा नाम की जो औषधि होती है वो बहुत अच्छा है, वो वात पित्त कफ तीनों पे काम करती है। खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच उस दवा को लेना वात वालों के लिए बहुत अच्छा है। वो खून को भी साफ करता है, चेहरे का रंग भी सुधारता है, और कितना भी पुराना स्किन डिसऑर्डर हो उससे बचाने का काम करता है। और सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, बादाम है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तिल आपके लिए बहुत अच्छा है, तिल के तेल की मालिश करना। इस तरह की आप चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि वात डोमिनेंट जो आपकी ड्राई स्किन है या वात के कारण जो बीमारी हो रही है उससे आप बचे रहेंगे। साथ ही साथ वायु जिससे बढ़ती है उन चीज़ों से बच के रहिए, जैसे कि रात में ज़्यादा जागना। अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर आपको शरीर में कालापन, चेहरे पे कालापन ऐसा कुछ आने लग गया है, तो रात में जागने से सबसे ज़्यादा वात प्रकोप होता है उससे बच के रहिए। एसी में रहना, वो सभी ठंडी चीज़ें आपके शरीर में वायु को बढ़ाती हैं। तो आपको ड्राई स्किन है, चेहरे पे, शरीर में कहीं भी कालापन पड़ रहा है, या ड्राई एक्जिमा जैसी कोई भी आपको बीमारी है, तो ठंडी हवा में रहना, एसी में रहना, ठंडा पानी पीना, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं है। एक और चीज़, स्ट्रेस जो है, चिंता जो है, उसका डायरेक्ट रिलेशन वात से देखा जाता है।
तो जितनी आप चिंता करेंगे उतना ज़्यादा ये वायु विकृत होने का काम करती है। इसलिए मेडिटेशन करना या दिमाग शांत रखने वाली जटामांसी जैसी जो औषधियाँ हैं, जो वात को भी कंट्रोल करती हैं, दिमाग को भी शांत करती है और स्ट्रेस से आपको बचाती है, ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर लेकर आइए। तो ये तो था वात डोमिनेंट जो स्किन होगी या वात टाइप की जो स्किन होती है वो आयुर्वेद में क्या क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, या आप में से जो भी ड्राई स्किन के लोग हैं उनको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन और डाइट ले सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो। आपके और कुछ डाउट है ड्राई स्किन से जुड़े हुए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वीडियोज़ में हम पित्त टाइप स्किन, कफ टाइप स्किन और मिक्स टाइप की जो भी स्किन है उसके बारे में जानेंगे और फिर बीमारियों की सीरीज चालू करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।